आई थी कि आपका जो रूफ होती है उसके नीचे डिजाइनिंग बनी होती है बॉक्स टाइप में, तो तब उस टाइप में हम लोग क्या को यूज करते हैं ड्राई पैकिंग वाले मेथड को। नीचे हम लोग क्या है फॉर्म वर्क कर लेंगे, यहाँ पे नीचे फॉर्म वर्क प्रोवाइड कर रखा है, यहाँ पे हम लोग जो फिलिंग करिए ड्राई फिलिंग करेंगे ड्राई मटेरियल की, उसके बाद हम लोग जो भी मोटार हमने मसाला हमने यूज करना है उससे क्या है उसकी फिनिशिंग कर देंगे हम। उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग ये मैंने पूरा बता दिया था, ये वाला डिस्कस कर रहे थे हम फॉर्म और पंप टेक्निक। इसमें क्या है कि ओवरहेड और वर्टिकल एरिया जहां पे हमारा क्या है जो फॉर्म एंड पंप टेक्निक कैन बी यूज फॉर ओवरहेड एंड वर्टिकल रिपेयर एरिया वेयर अदर प्लेसमेंट टेक्निक आर नॉट सुटेबल या अप्रोप्रिएट। ठीक है, जो दूसरे वाले जो मेथड हमने यूज किए हैं जैसे वर्टिकल के लिए हमने बर्ड माउथ वाला भी यूज किया और जो पहले न्यूमेटिक या गेनाइट वाला जो था वो भी यूज किया, तो जहाँ पे वो वाले भी सुटेबल नहीं है वहां पे हम लोग क्या है ये फॉर्म और पंप टेक्निक यूज करेंगे। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है ये पूरा यहाँ पे क्या है फॉर्म वर्क कर रखा है, पूरा इसको कवर कर रखा है, तो हम वहां पे ये वाली टेक्निक यूज करेंगे। दीज इंक्लूड द अंडर साइड ऑफ डीप बीम। डीप बीम जहाँ पे होती है वहां पे हम और क्लोजली जो पहले वाला था वहां पे रेनफोर्स क्लोज नहीं था, मतलब रेनफोर्स ज्यादा कंजेस्टेड नहीं था, यहाँ पे भीड़ भाड़ है रेनफोर्स ज्यादा है तो और लार्ज रिपेयर एरिया है, वो वाला कम रिपेयर एरिया के लिए था जो पहले वाला था न्यूमेटिक वाला। और यहाँ पे क्या है जो हमारा डीप बीम होगा और क्लोजली स्पेस जो है हमारा स्टील होगा, तब वैसे वाले एरिया में हमारा ये फॉर्म और पंप टेक्निक यूज होएगा। हम क्या करेंगे जो पहले वाला कंक्रीट है सबस्ट्रेट कंक्रीट जो पहले लगा हुआ है उसको प्रॉपरली तैयार कर लेंगे, प्रिपेयर करेंगे कवर विद द फॉर्म जो मैंने बताया, यहाँ पे कवर कर लिया हमने फॉर्म से। उसके बाद द फॉर्म इज कम्प्लीटली क्लोज, हमने कंप्लीटली उसको क्लोज कर देना है एंड मेड वाटर टाइट, वाटर टाइट बना देना है, कहीं से भी पानी लीक नहीं होना चाहिए। इज इक्विपाइड पंपिंग पोर्ट वॉल एंड एयर वॉल। ठीक है, कहाँ कहीं कहीं पे हम लोग जैसे ये है हमने यहाँ पे क्या है एयर वेंट लगाए हॉज लगाई है। ठीक है, ये जो बीच में कुछ कुछ जगह लगा रखी है हमने ये मेंशन नहीं किया है इसने, तो वाल वगैरह लगाएंगे हम लोग, पंपिंग पोर्ट लगाएंगे जहां से हम पंपिंग करेंगे उसको। उसके बाद फॉर्म आर मेड स्ट्रॉन्गर देन कन्वेंशनल, जो हम नॉर्मली फॉर्म वर्क लगाते हैं उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए ये वाला जो फॉर्म वर्क लगा रहे हैं हम, क्योंकि इसमें हम प्रेशर से हम जो है मटेरियल अप्लाई करेंगे और प्रेशर में ऐसा ना हो कि वो खुल जाए या टूट जाए। ठीक है, इसीलिए हमने क्या करना है फॉर्म वर्क जो है स्ट्रॉन्गर होना चाहिए किसके कंपैरिजन में जो हम यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, द होज फ्रॉम द कंक्रीट पंप इज डायरेक्टली कनेक्टेड ये जो है हॉज इसको बोल रहा है, ये जो है पाइप पाइप को बोल रहा है। ठीक है, ये पाइप कनेक्ट है डायरेक्टली द हॉज फ्रॉम द कंक्रीट पंप, ये कंक्रीट पंप है जिसके अंदर कंक्रीट है, कनेक्टेड डायरेक्टली टू द फॉर्म, जो फॉर्म वर्क हमने अप्लाई बना रहे उसके बाद डायरेक्टली टू द फॉर्म। रिपेयर मटेरियल इज पंप, इसके अंदर हम पंप करेंगे। ठीक है, प्रेशर के साथ इंसर्ट करेंगे। द फॉर्म इज कंप्लीटली क्लोज दैट कैन बी प्रेशराइज्ड बाय द पंप, कंप्लीटली क्लोज होना चाहिए जब उसके ऊपर हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आपका टूट जाए। तो क्लियर है ये चीज आपको कि कैसे इसने किया, ये समझ आया? ठीक है, डिफेक्टेड एरिया जो होगा उसको हम लोग ऐसे फॉर्म वर्क से पूरा टाइट बांध देंगे, एक पाइप लगा रखी हमने इसको, ये हॉज भी लिख सकते हो पाइप भी लिख सकते हो। ठीक है, एक पाइप उसके अंदर इसने यूज कर रखी है, उसी से ही इसके अंदर ये मटेरियल को प्रेशर के साथ क्या कर रहा है डाल रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है एडवांटेज क्या होगा, इट अलाउ फास्टर रिप्लेसमेंट, पंप के साथ कर रहे हैं तो हम जल्दी क्या है कर पाएंगे रिपेयर मटेरियल जल्दी से प्लेस कर पाएंगे, तो फास्टर फास्टर आपकी प्लेसमेंट होती है। दूसरा, दिस क्रिएट बेटर बॉन्ड बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड कंक्रीट। ठीक है, क्योंकि प्रेशर के साथ उसके साथ चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं और
जो कवरिंग होती है प्रेशर के साथ जो रेनफोर्स लगा होता है उसके अंदर भी कंक्रीट चला जाता है। ऐसे डालेंगे मैनुअली तो नहीं हो पाएगा, प्रेशर के साथ इजिली उसके अंदर वो चला जाएगा, तो वो चीज भी हो जाती है, बॉन्ड अच्छा बन जाता है। उसके बाद इट इज लेस डिपेंडेंट ऑन द स्किल्ड वर्कर। इसमें कोई स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर जहां जहां पे हम लोग प्रेशर के साथ मटेरियल डालेंगे तो वहां पे वो अपने आप अंदर चला जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेज, जो फॉर्म वर्क आपने यूज किया है, पहले इसने बताया कि फॉर्म वर्क पे हमने ज्यादा ध्यान देना है, तो फॉर्म वर्क इज हाई ड्यू टू द स्टिफनेस एंड एयर टाइटनेस रिक्वायर्ड टू फॉर्म वर्क। कॉस्ट ज्यादा हो जाती है क्योंकि हमें स्टिफ और वाटर जो एयर टाइट है वो क्या चाहिए, फॉर्म वर्क चाहिए, इसलिए उसकी जो फॉर्म वर्क की जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है कंपेयर टू दूसरे वाला जो नॉर्मल हम यूज करते हैं। इसमें एडिशनल कॉस्ट लगती है किसकी, वाल्व की, जो वेंट हम प्रोवाइड करते हैं, पंपिंग इक्विपमेंट होते हैं, मेक दिस द अनइकोनॉमिकल। इन सारी चीजों की वजह से ये क्या हो जाता है, अनइकोनॉमिकल होता है, मतलब सस्ता नहीं पड़ता है, ये हमें महंगा पड़ेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है एग्रीगेट कंक्रीट प्रीप्लेस्ड, ठीक है, पहले एग्रीगेट डालेंगे उसके बाद इसके अंदर मसाला डाल देंगे। अब कहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्रीप्लेस एग्रीगेट टेक्निक यूज फॉर रिपेयर दैट इज वेरी लो श्रिंकेज, जहां पे हमें कम श्रिंकेज चाहिए है वहां पे हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि हम जहाँ पे कम श्रिंकेज करना चाह रहे हैं वहां पे हम लोग क्या है, ड्राई मटेरियल यूज करेंगे। ड्राई पैकिंग वाला जो था वो यही बात कह रहा था कि हमें जब श्रिंकेज कम चाहिए है तो हम क्या है, पानी और सीमेंट कम डालेंगे। इन दिस मेथड कैविटी इज प्रपोज, ठीक है, जो हॉल हमने बनाना है कॉलम में यूज कर रहा है ये मेथड। To prevent the settlement such as structural column repair, ठीक है, in this method cavity, cavity का मतलब होता है बीच में hall बनाना, ठीक है, जैसे मान लो ये इधर हमारा जो हो गया दीवार होगी, ये बीच में जो बना है इसको ये cavity बोलता है, ठीक है, ये जो मतलब ये आपका cavity बना दी इसने, और ये आपका ऊपर ये नीचे पूरा दिखाना, ठीक है, इसके अंदर हमने फिलिंग करनी है ये वाले में, ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दिस मेथड कैविटी इज प्रॉपरली प्रिपेयर, जो भी हमारा हॉल है वो हमने तैयार कर लिया, फॉर्म इज इंस्टॉल, हमें फॉर्म वर्क भी चाहिए तभी तो उसके अंदर वो कैविटी बनेगी, तो फॉर्म वर्क लगा लिया हमने साइड में। उसके बाद After that, cavity is complete filled with the specially graded coarse aggregate. Specially graded मतलब कुछ मतलब जो मसाला बनाया है हमने, इज देन पंप इन द एग्रीगेट, एग्रीगेट के अंदर हम लोग उसको पंप करेंगे और जो स्पेस बच जाएगा एग्रीगेट के बीच में उनको क्या कर देंगे, कंप्लीटली फिल कर देंगे, ठीक है। द ग्रॉट इज प्लेस थ्रू द पोर्ट इन फॉर्म, ठीक है, हम लोग क्या है जो फॉर्म है ये यहाँ पे बोल रहा है कि ऊपर से ये जो पाइप लगी हुई, यहाँ लिखा है ना इसमें हॉस पाइप टू ग्रॉट पंप, ये यहाँ पे पंप के साथ इसमें क्या है इंसर्ट करेंगे हम लोग इस पाइप से, हॉस पाइप से, ठीक है। एज द ग्रॉट इज पंप थ्रू द निडल इज विड्रॉ ग्रेजुअली एंटायर एरिया आज ग्राउटेड, मतलब जैसे ही वो पूरा में फिलिंग हो जाएगी उसको निकाल लेंगे हम, ये तो नॉर्मल बात है, इसमें क्या बताने वाला ऐसा कि भाई जब कंप्लीट फिलिंग हो जाएगी तो हम, लेकिन क्या है आपको लगता है कि ये पूरा ऐसे करके फिल हो जाएगा, पहले इसने वो डाल दिया एग्रीगेट डाल दिया और फिर मसाला डाला, ऐसे हो सकता है, ये मुझे कुछ मेथड ऐसा इसका लगा नहीं ठीक, तुम्हें क्या लगता है ऐसे हो जाता है? चलो इसके नुकसान फायदे भी मेरे ख्याल से इसने बता भी रखे हैं या नहीं बता रखे हैं, ये है कि मेजर एडवांटेज ये है कि श्रिंकेज रिड्यूस हो जाएगी। इसमें दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, स्पेशली ग्रेडेड एग्रीगेट चाहिए, हम नॉर्मल वाले यूज नहीं कर सकते कि कुछ भी हम इसके अंदर डाल, इट मे बी डिफिकल्ट टू, मैंने यही बोला है पहले कि कम्प्लीटली फिल करना उसको मुश्किल होता है, जो बीच में जो हॉल है ना ये बोल रहा है कि पहले मैं एग्रीगेट डाल दूंगा उसके बाद उसके अंदर जो भी हमने स्लरी बनाई है उसकी ग्राउटिंग कर दूंगा, मतलब ग्राउट उसके अंदर डाल दूंगा, मतलब प्रेशर के साथ उसके अंदर डाल दूंगा मैं, ऐसे नहीं होगा,
ठीक है, ऐसे मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसलिए ये इसने बोल ही दिया डिसएडवांटेज में कि कंप्लीट फिलिंग करना पॉसिबल नहीं है। बस मेन जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपका श्रिंकेज कम हो जाएगी क्योंकि इसमें ड्राई मटेरियल ज्यादा यूज कर रहे हैं। जो लास्ट वाला ट्रॉवल वाला मेथड है ये तो हम हमेशा यूज करते ही हैं नॉर्मली। जो हम ये वाला मेथड कहाँ पे यूज होगा, दिस मेथड कैन बी यूज फॉर हॉरिजेंटल वर्टिकल ओवरहेड सब में यूज करते हैं हम। करनी के साथ जो हमारी ट्रॉवल होती है उसके साथ क्या करते हैं, लेकिन एरिया क्या होना चाहिए 25 mm से लेस देन डीप होना चाहिए। इससे कम डेप्थ का होगा तभी ये ट्रॉवल वाला मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एमएम डीप विद लिटल और नो रेनफोर्स, जहां पे सरिया यूज नहीं हो रखा। द रिपेयर मटेरियल मिक्स प्रॉपर कंसिस्टेंसी, जितनी कंसिस्टेंसी में चाहिए जैसा हमें घोल चाहिए वैसा हम बना लेंगे। उसके बाद द वर्कर यूजेस ट्रॉवल टू प्रेस द मटेरियल, जो भी मटेरियल हमने अरे करनी से मसाला बनाया उसको जहां हमने चिपकाना है वहां प्रेशर के साथ उसको चिपका देंगे। ऑन हॉरिजेंटल मेंबर सरफेस सच डक एंड साइड वॉक थिन मटेरियल मेंबर लेवल सरफेस, उस पे यूज होगा। ओवरहेड में जहां पे हम क्या है ऐसा एरिया लग रहा है कि जहां सैगिंग नहीं हो सकती, झुक ना जाए मटेरियल, ठीक है, वहां पे हम यूज कर लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि जहां डीप होएगा ना, ऐसे नहीं कि हम, और इससे बचने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हमने एक लेयर प्रोवाइड करी, फिर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद फिर जब थोड़ा सूख जाएगी फिर दूसरी लेयर हम प्रोवाइड करेंगे, ये ऐसे बोल रहा है ये शायद। इट मे बी नेसेसरी टू इंस्टॉल द मटेरियल सेवरल होल टू प्रिवेंट द टूट कर रखा है किसी ने अपने आप को। ठीक है, ये 20 mm जो डीप है वहां, लेस देन जो 20 mm डीप है वहां पे हम लोग अप्लाई करेंगे। हॉरिजेंटल पे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है, हम उसको कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ओवरहेड वाला जो वर्टिकल वाला होगा उसपे हमने ध्यान रखना है कि जब हमने रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार अप्लाई कर दिया फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद, ऐसे नहीं कि एक साथ सारा मसाला हमने, क्योंकि जो खड़ा स्ट्रक्चर है उस पे ऐसे करोगे या ऊपर जो ओवरहेड वाला है स्लैब ऊपर से ऐसे करोगे मटेरियल गिर जाएगा। एक पतली लेयर प्रोवाइड कर दी उसके बाद दूसरी ऐसे करके कोट हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद है कि इसमें कुछ भी हमें इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इसमें एडवांटेज यही हो जाएगा कि कोई हमें सिर्फ करनी चाहिए मसाला चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या होगा, फिनिशिंग एंड कंपैक्शन ऑफ द रिपेयर मटेरियल डिपेंड ऑन द, किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो मिस्त्री है वो जो लगा रहा है, ठीक है, मेजर उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसकी स्किल कैसी है फिनिशिंग और कंपैक्शन। अगर वो अच्छा है, उसको नॉलेज है तो वो अच्छे से अप्लाई कर देगा, अगर नहीं नॉलेज है तो वो उसको खराब भी कर सकता है। स्पेशल मटेरियल में भी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग रिपेयर, कई बार क्या है हमें स्पेशल मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि थिन मेंबर है तो उसमें बॉन्डिंग आएगी, ठीक है। क्यूरिंग सिंस नो फॉर्मवर्क हैज यूज, क्यूरिंग की जरूरत पड़ेगी क्योंकि फॉर्मवर्क कोई यूज नहीं किया है हमने। तो ये 8 मेथड थे जो कंक्रीट प्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ ना कुछ तो बोलो। मैं प्रेशर वाला था ना, जो प्रेशर वाला बेटा कौन सा, थोड़ा आपने स्टार्टिंग में करवाया था जो, एक मैं फॉर्म वर्क उसमें थोड़ा सा, अच्छा ये वाला फॉर्म एंड पंप टेक्निक वाला, यस मैम, कौन सा कह रहे हो, ये वाला, यस सिंपल है ये देखो मैं तुम्हें दोबारा, हाँ देखो ये जो है ना ये फॉर्म वर्क शटर जो हम शटरिंग प्रोवाइड करते हैं नीचे हम लोग जो आप उसको वो बोलते हो लेंटर बोलते हो जो, हाँ जी शटरिंग ही बोलते, लेंटर लगा दिया, हाँ शटरिंग बोल लो या लेंटर बोल देते हो आप लोग, वो लगा दिया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, ये पाइप लगा रखा है, ठीक है, प्रेशर पाइप। अब यहाँ पे हमने फिलिंग करनी है, ये जो मटेरियल दिख रहा है और ये जो दिखा रखा है इसने, ये आपका क्या है रेनफोर्स दिखा रखा है ऐसे करके, ठीक है। तो इस एरिया में फिलिंग करनी है, सिंपल है, जो नीचे हमारा जो पंप ये जो है
नीचे जो हमारा ये प्रेशर पंप है, यहां से हम इसको प्रेशर देंगे, मटेरियल इसके अंदर जाएगा और इस पाइप से इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन इस बात में फॉर्म वर्क को पंप वाला है तो ये प्रेशर बहुत तेज होता है इसका, ज्यादा प्रेशर के साथ इसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं। तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो फॉर्म वर्क है, जो हमारी शटरिंग है, वो क्या होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसको पूरे टाइट तरीके से बांधना है और फिर ये इसकी फिलिंग हो जाएगी और जब ये सूख जाएगा, नॉर्मली जो 7 to 14 हम डेज लेके चलते हैं, जब वो सूख जाएगा तो शटर को, ये शटरिंग जो हमने लगा रखी है ये वाली, इसको हटा देंगे। ये शटरिंग के अंदर से ही हॉल है जिसके अंदर से हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ के देख लो, ये सिंपल बस ऐसे लिखा हुआ है। फॉर्म और पंप टेक्निक यूज करते हैं किसके लिए, ओवरहेड और वर्टिकल रिपेयर। ओवरहेड में क्या आएगा, ऊपर आपकी जो स्लैब है और बीम है, और जो वर्टिकल रिपेयर में क्या आएगा, कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। और जहां पे क्या है, जो सबसे पहले मेथड जो बताया था ना, न्यूमेटिक वाला, वो नॉजल लगी हुई है, एक में पाइप है, वो वाला कह रहा था कि वर्टिकल और जो आपका ओवरहेड के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जहां पे आपका रेनफोर्स ज्यादा लगा, सरिया ज्यादा लगा हुआ है ना, रिपेयर कर रहे हैं हम, सरिया लगा होगा जो पहले से लगा रखा है, तो सरिया लगा हुआ है ना, तो वहां पे वो वाला मेथड काम नहीं आता, उस नोजल से नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे ज्यादा रेनफोर्स यूज कर रखा है, क्लोजली स्पेस रेनफोर्स है ना, वहां पे यूज करेंगे ओवरहेड वर्टिकल के लिए यूज करेंगे, और जहां पे क्लोजली स्पेस जो रेनफोर्स है वहां पे यूज करेंगे, और वेरी लार्ज एरिया जहां पे ज्यादा डिफेक्ट आ रखा है, ज्यादा रिपेयरिंग एरिया है, तो पहले वाले कंक्रीट को हम तैयार कर लेंगे। तैयार कैसे करेंगे, हमने पहले भी किया था कि हम रफली उसको क्या कर देंगे, यूनिफॉर्मली, मतलब रफ कर देंगे उसको, ठीक है, ताकि जो अब हम अप्लाई करें वो उसके साथ चिपक जाए। और हमने तैयार कर लिया पहले वाले को और फॉर्म वर्क से उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब जो क्लोज है उसको हमने वाटर टाइट बना देना, मतलब अच्छे से क्लोज कर देना है। फिर उसमें वाल्व लगे होंगे, एयर वेंट लगे होंगे, हवा पास होती रहे। उसके बाद क्या है कि फॉर्म जो वर्क हमने यूज करना है या शटरिंग जो हमने यूज करनी है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। जो नॉर्मली हम पंप, जो हम नॉर्मली जो हम फॉर्म वर्क यूज करते हैं, लेंटर यूज करते हैं या शटरिंग यूज करते हैं, उससे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि पंप से हम लोग उसके अंदर फिलिंग कर रहे हैं तो पंप से वो कई बार खुल भी जाती है, तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि पंपिंग प्रेशर को वो सहन कर सके, विदस्टैंड द पंपिंग प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एक हॉज होगा, हॉज मतलब पाइप को बोल रहा है, ये हॉज वर्ड का इसने यूज किया है पूरे उसमें, ये जो रिपेयरिंग टेक्निक में, इसका मतलब पाइप ही है, ये जो पाइप लगा हुआ है, ठीक है, ये इसके अंदर मटीरियल जा रहा है। तो हॉज फ्रॉम द कंक्रीट पंप इज कनेक्टेड टू डायरेक्टली फॉर्म, जो हॉज पाइप है वो इस फॉर्म के साथ कनेक्टेड है, इसमें से रिपेयर मटेरियल को क्या करेंगे, पंप इन कर देंगे, अंदर डाल देंगे, ठीक है। जब पूरा फिल हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, निकाल देंगे इसको, जो फॉर्म वर्क है। क्लियर अब? यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है कि हम डीपीसी को एक, जो मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी, इसमें बुक में इतना अच्छे से नहीं दे रखा, वहां पे वीडियो में अच्छे से समझ लेना। एक टॉपिक है टाइप ऑफ ज्वाइंट, कंक्रीट में कौन कौन से ज्वाइंट, तुमने पहले भी सुने होंगे, हाईवे तुम पढ़ रहे हो तो उसमें एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रेक्शन ज्वाइंट और आइसोलेशन ज्वाइंट और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट पढ़ रहे हो ना तुम, हाईवे में आ गया तुम्हारा वो टॉपिक, लास्ट में आता शायद वो। चलो नहीं पढ़ना, कोई बात नहीं, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो वीडियो भेजूंगी, इसमें भी है हमारा, तो मुझे करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें से समझ लेना। फिर भी अगर समझ नहीं आता तो फिर मुझे बताना, मैं बाद, क्योंकि हमने अभी 4-5 टॉपिक और रहते हैं हमारे, तो हमने ये खत्म करना है। खत्म करने के लिए तो हमें कितने, मेरे ख्याल से 1 हफ्ता हो रहा है हमारे पास, 2-3 क्लास और लगनी है, तो इसलिए हमने ये खत्म करना है चैप्टर, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं ठीक है, जो नेक्स्ट हम करते हैं। इसकी भी मैं तुम्हें वीडियो भेजूंगी, मैं बताऊंगी तुम्हें, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर हो गई शायद, नहीं हुई, 1 मिनट। यस मैम, ठीक है,
ये क्या है कि हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं, डीपीसी क्या होती है? डैम प्रूफ कोर्स लिखा भी हुआ है पहली लाइन में। हाँ ठीक है, हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग के अंदर डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइड करते हैं, क्या करने के लिए कि जो मॉइस्चर है वो क्या करे, बिल्डिंग के अंदर एंटर ना करे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम डीपीसी प्रोवाइड नहीं करते तो क्या हो जाता है, डैम्पनेस आ जाती है। हमने तो पढ़ा है कि हम डैम प्रूफिंग कोर्स प्रोवाइड करके क्या कर सकते हैं, डैम्पनेस से बच सकते हैं। अब अगर डैम्पनेस आ गई है तो हम तब क्या करें? तो ये तीन मेथड हैं जिससे हम डैम्पनेस आ गया तो हम तब क्या कर सकते हैं। तो ये एक फिजिकल मेथड है, एक इलेक्ट्रिकल मेथड है, एक केमिकल मेथड है। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। इन ऑल स्ट्रक्चर डैम प्रूफ कोर्स इज प्रोवाइडेड। ठीक है, प्रोवाइड करते हैं हम लोग नॉर्मली टू प्रिवेंट द डैम्पनेस गोइंग अप द वॉल्स। मैंने बताया, शायद तुम्हें तो नहीं बताया, कि अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि डैम्पनेस किस वजह से आई है। जैसे मान लो नीचे ग्राउंड में मॉइस्चर है, वो ऊपर की साइड आ रहा है। जब ग्राउंड से नीचे से मॉइस्चर ऊपर की साइड आता है तो उस प्रोसेस को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फाउंडेशन ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन। और ऊपर से पानी नीचे की साइड जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? परकोलेशन। हाँ, वो भी बोल देते हैं, सीपेज भी बोल देते हैं, परमेबिलिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, कि पानी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो पानी नीचे की साइड सीपेज होके जाता है, और ऊपर जब पानी आता है नीचे से मॉइस्चर, वो कैपिलरी एक्शन होता है। तो ग्राउंड से राइज होके पानी ऊपर की साइड आएगा, राइजिंग डैम्पनेस ड्यू टू द कैपिलरी ऑब्जर्वेशन, जो अब ऊपर की साइड आएगा। ठीक है, इन बिल्डिंग मटीरियल दिस सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज द डिसकंटिन्यू। ठीक है, हमने क्या करना है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है। इसने थोड़ा कंफ्यूज सा करके लिख दिया कि इस प्रॉब्लम का हमने क्या करना है, सोल्यूशन करना है। हमने डिसकंटिन्यू करना है इस कैपिलरी एक्शन को, जो पानी ऊपर आ रहा है उसको डिसकंटिन्यू करना है। तो ये जो हमने क्या करना है, एक बैरियर प्रोवाइड करना है। बैरियर का मतलब होता है कि एक हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, प्रोटेक्शन टाइप में हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है, जो वेटेबल सरफेस है, मतलब जो गीला सरफेस है, वो क्या हो जाए, अनवेटेबल, मतलब सूखा हो जाए वो। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बेसिक मेथड है वो ये वाले हैं, फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रिकल मेथड और केमिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में भी दो मेथड है। ठीक है, मैं एक डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ, अगर बनेगा तो। जैसे मान लो हमारी ये दीवार है, ठीक है, ये हमारी दीवार है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे डैम्पनेस आए, ऐसे होता है ना, ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर तक हमें डैम्पनेस दिखती है। ठीक है, तो जहां डैम्पनेस आई हुई है ना, वहां पे हम क्या करेंगे, उसके ऊपर वाले सरफेस में यहाँ ऐसे, ठीक है, कटिंग करेंगे, डिप करके उसको, कटिंग करके उसके अंदर क्या करेंगे, बिट्यूमिन की जो एक चद्दर होती है, जो मतलब आती है, जो हमेशा हम प्रोवाइड करते हैं, वो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, यही इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, हम स्ट्रिप मेथड में पढ़ लेते हैं। इन ओल्ड बिल्डिंग विच हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विदाउट द डीपीसी। कई बार क्या होता है कि कुछ ओल्ड, जो पुरानी बिल्डिंग है, जब हम उसमें डीपीसी नहीं प्रोवाइड करते तो उसमें क्या है, डैम्पनेस राइज हो जाता है। और कई बिल्डिंग ऐसी होती है जिसमें हमने डीपीसी प्रोवाइड कर रखा होता है, फिर भी क्या है, उसके अंदर डैम्पनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। एज ए सोल्यूशन दिस प्रॉब्लम स्ट्रिप अप्रोच, मतलब ये वाला जो मेथड है, ये वाला हम इसके अंदर यूज करेंगे। मैं वीडियो दिखा दूंगी तुम्हें,
उसके अंदर ये स्ट्रिप बना के यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे हम डैम्प प्रूफिंग कोर्स, ठीक है, पिनिंग द वॉल, मतलब अंदर इसको जो ये हम कटिंग करेंगे उसको पिनिंग बोल रहा है ये वॉल के अंदर। दिस अप्रोच बहुत टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत टाइम लगता है और एक्सपेंसिव भी है, लेकिन यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो। और एक क्विकर एंड मोर सेटिस्फैक्टरी मेथड कंसिस्ट ऑफ द कटिंग स्लॉट, हम और इसको सेटिस्फैक्टरी बनाने के लिए, क्विकर बनाने के लिए, तो हम पावर से क्या करते हैं, स्लॉट बना लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है, और चेन हो, और ऐसे जैसे चेन होती है ऐसे दिखेगी हमें इन द एग्जिस्टिंग मोटार ज्वाइंट, जो भी पहले जैसे मान लो मोटार ज्वाइंट कौन से रहेंगे, ये जो लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर हमने ईंट लगा रखी तो मोटार है, उसके अंदर हम लोग कर लेंगे। उसके अंदर क्या भरेंगे हम लोग, बिटुमिन भरेंगे, लैड भरेंगे, कॉपर, पॉलिथिन शीट, ये सारी क्या है, इनमें से कोई एक उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद हम उसके अंदर क्या कर देंगे, मोटार की फिलिंग कर देंगे, ठीक है। यही इसने अब इसको डिटेल में बताया है कि जो वो हम कटिंग करेंगे वो कितने का करेंगे, एक बार मैं फिर थोड़ा बता देती हूँ तुम्हें। यहाँ पे क्या है कि हम सबसे पहले एक कितने mm की थिकनेस का वो करेंगे, उसके अंदर ज्वाइंट बनाएंगे 4 mm की थिकनेस का, जो मैंने अभी बताया ये दीवार है, दीवार के अंदर ये वाला मोटार ज्वाइंट है, मतलब ऊपर ऐसे एक लेयर लगी हुई है, नीचे भी ईंटे लगी हुई है, तो जो मोटार ज्वाइंट है इसके अंदर हम लोग अंदर की साइड एक लेयर में हॉल बना लेंगे, ठीक है, वो कितना होगा, 4 mm की थिकनेस का होगा, और ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर होगा, 150 mm ग्राउंड फ्लोर से ऊपर होगा, ठीक है। उसके बाद कट को हमने कॉर्नर से स्टार्ट करना है, मैं वीडियो ही दिखा देती हूँ, उसमें ज्यादा समझ आएगा। शो हो रही है वीडियो, देखो ये हॉल बना, स्क्रीन पे वीडियो शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। इसको ध्यान से देखो ये क्या कर रहा है, देखो जहां पे मोटार ज्वाइंट है ना उनमें ऐसे हॉल कर रहा है, यहाँ पे इसने कर भी रखा है, ये बिटुमिन डाल रखा है इसके अंदर, उसकी शीट डाल रखी है, ग्राउंड लेवल से ऊपर की साइड है ये, मैम फाउंडेशन के ऊपर यहाँ पे ये शीट रखी हुई है, हाँ फाउंडेशन ग्राउंड लेवल से ऊपर की साइड, हाँ जी मैम, ठीक है, क्योंकि ये किसके लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं हम लोग, जो पर इसमें आवाज तो है ही नहीं, रोक देती हूँ उसको मैं, देखो क्योंकि हम लोग डैम्पनेस तो भी आती है मॉइस्चर, ठीक है, बारिश की वजह से भी आती है, कई बार क्या है साथ में पेड़ पौधे तो वहां से भी आ जाती है, कहीं से भी आ सकती है डैम्पनेस, लेकिन ये वाला जो सोल्यूशन है ना जो नीचे से आ रही है, नीचे से जो फाउंडेशन से आ रही है ना जो डैम्पनेस, उसके लिए प्रोटेक्शन कर रहा है ये देख रहे हो तुम लोग, ये जो है शीट ये ऑलरेडी इसके अंदर इंसर्ट कर रखी है इसने, ऐसे करके हॉल बना बना के ये अंदर शीट डाल रहा है ये इसके, ठीक है, और बिटुमिन जो टारकोल होता है उसको पिंगला के इसके साथ चिपका देगा ये, और बाहर जो फिर जो सरफेस होगा उसके ऊपर मोटार हम लोग यूज कर लेंगे। फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ, दोबारा देख लो सारे को, ये देखो ऐसे बिछाएगा शीट, ये
ठीक है, ऊपर ये देखो ये मसाला लगा रहा है ऐसे करके, फिर दो जो ऊपर है इसके इंटे लगा देगा और ये इसके साथ चिपक जाएगा। बस अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ गया ना कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब मैं उसको पढ़ाऊंगी नहीं, ठीक है, मैं जो पूरी उसने डिटेल लिख रखी है उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ है कि जो जो आपने वो करने है ना, ये जो कितनी कटिंग करनी है, कितना ग्राउंड लेवल से ऊपर लेना है आपने, यही इसके अंदर बोल रखा है इसने। ठीक है, यही इसने इसके अंदर बोला है कि फाइबर बेस्ड जो बिटुमेन की शीट होती है जिसकी थिकनेस ये वाली होती है 2.5 mm होती है, ठीक है, ये वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन होता है, इसको हम लोग लेंथ क्या रहेगी ये लेंथ बता रखी है इसने, विड्थ क्या रहेगी वो बता रखा है, और जो बिटुमेन हम अप्लाई करेंगे कितना 1.2 kg per meter, ठीक है, पर मीटर में हम लोग इतना बिटुमिन अप्लाइड करेंगे और हीट देंगे उसको, मतलब ताकि उसके साथ चिपक जाए। और जब हम क्या है नेक्स्ट स्लॉट हमने बनाना है, ये इसने ये भी लिखा हुआ है कि जब एक बार में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो 600 mm तक हम लोग करेंगे, लेंथ तक करेंगे, ठीक है, उसके बाद अगर इन केसेज मतलब ज्यादा हैवी वॉल है जिसके ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है तो उसमें 300 mm तक ही करेंगे एक बार लेंथ, 300 में प्रोवाइड करके फिर नेक्स्ट 300 करेंगे ऐसे करके, तभी इसने ऊपर बोला है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम लगता है। और अगर मान लो नॉर्मल वॉल है तो उसमें क्या है हम 600 mm तक भी कटिंग कर लेंगे जिसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं आ रहा, तो हम ऐसे करके उसके अंदर फिलिंग करते जाएंगे। तो ये पढ़ लेना, उसके बाद जो गैप है जैसे ये कह रहा है कि बिटुमिन फेल्ट के जो उसको ये वाला